अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 और 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स पे इसको मार्क कर लें, रजिस्टर पर नोट कर लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस, साथ इसकी एग्जांपल। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस। राइट द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो एम्स है क्लासिफिकेशंस के, वो हम इसमें लिखेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफाइन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, वो इसके रिलेटेड टू पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आपने इसके फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसमें आंसर करना। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। डिफाइन स्पीशी, स्पीशी की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज, क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज, इसमें बॉक्स में इसका आंसर है, बॉक्स में लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ स्पीशीज। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉर्डस लीनियस, कॉर्डस लीनियस का क्या रोल है, उसका क्या वर्क है, वो लिखना है आपने। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अगस्ट रेविनस, रेविनस का क्या रोल है, वो आपने लिखना है। व्हाट इज़ थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज़ ऑब्जेक्शन इन थ्री किंगडम सिस्टम, कि थ्री किंगडम सिस्टम पे ऑब्जेक्शन क्या थे, वो लिखने हैं। व्हाट इज़ किंगडम मुनैरा, किंगडम मुनैरा की डेफिनेशन मीन्स के उसका जो भी डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसमें एग्जाम्पल देनी है। व्हाट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे। राइट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसकी दो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की दो बेसिस पॉइंट बताए हुए हैं, वो आपने इसकी बेसिस में लिखने हैं। अच्छा, इधर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन इन थ्री किंगडम सिस्टम जो वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स आपने ऑब्जेक्शन मीन्स के इसके फॉल्ट, इसकी क्या ड्रॉबैक्स थे टू थ्री किंगडम सिस्टम के, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन दी ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री किंगडम सिस्टम या राइट डाउन दी फॉल्ट इन द थ्री किंगडम सिस्टम, तो इसका सारे का तीनों क्वेश्चन एक ही इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, के फंजाई का न्यूट्रिशन का क्या मेथड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया इसमें लिखेंगे। व्हाट इज़ किंगडम प्लांटिया, इसमें किंगडम प्लांटिया लिखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉन्स एंड वेराइड में जो डिफरेंस है वो आपने लिखना है। डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो लिखेंगे, साथ में इसकी एग्जाम्पल देंगे। व्हाट इज़ दी रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, के रूल्स क्या हैं, ठीक है, वो इसके तीन रूल्स हैं, वो आपने लिखने हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो लिखना है आपने। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे विद एग्जाम्पल। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। राइट डाउन दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज क्या हैं, वो आपने लिखनी है। राइट डाउन दी अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अफेक्ट्स क्या हैं, वो आपने लिखने हैं इसमें। इसमें सिर्फ तीन से चार पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दी कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ इंडियन डॉल्फिन्स, के इंडियन डॉल्फिन्स के एक्सटिंक्ट होने की कॉजेज क्या हैं। व्हाट इज़ दी कॉजेज ऑफ इंडेंजमेंट ऑफ हुबारा बस्टर्स, इंडेंजमेंट ऑफ हुबारा बस्टर की कॉजेज क्या हैं। राइट दी नेम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क, इन्वायरमेंटल वर्क की जो भी नेम्स हैं, जो भी उसकी वर्किंग है, वो आपने उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यू। सेल और टिश्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफाइन माइक्रोस्कोपी। What is the difference between magnification and resolving power? Definition plus example. When and who discovered the first microscope? किसने और कब discover किया first microscope, जिसे compound microscope कहते हैं, वो आपने इसमें लिखना है। What is light microscope? What is the structure of light microscope? What is the magnification and resolving power of light microscope? What is electron microscope? What is the structure of electron microscope? What is the magnification and resolving power of electron microscope? Name of the type of electron microscope ki types ke name likhenge. What is the difference between SEM and TEM? इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनकी जो वर्किंग है, इनका जो फंक्शन है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। What is the cell wall? सेल वॉल की डेफिनेशन लिखेंगे। What is the function of cell wall? सेल वॉल के फंक्शन क्या हैं, ठीक है, वो लिखेंगे इसमें। Name the types of cell wall? सेल वॉल की टाइप्स कितनी हैं, वो लिखेंगे। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल।
नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, इन दोनों की डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल लिखेंगे। व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशंस लिखेंगे इसमें। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन इसका फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन कैसी है वो लिखेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फंक्शन लिखेंगे इसमें। व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन, मींस के किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं इसमें लिखेंगे, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। व्हाट इज़ न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लास्ट, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, व्हाट इज़ क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन, इन सब के डेफिनेशंस लिखेंगे। व्हाट आर द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर ड्रा भी करेंगे और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन के। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन लिखेंगे। व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ड्रा दी डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम ड्रा करेंगे और उसको लेबल करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ड्रा दी डायग्राम ऑफ राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम और राइबोसोम्स की डायग्राम ड्रा करेंगे और उसको साथ लेबल करेंगे। व्हाट इज़ क्रिस्टेरिया, स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स जिनको हम डिफाइन डेफिनेशंस जिनकी लिखेंगे, जैसे डिफ्यूजन है डेफिनेशन, एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, इन सब की हमने डेफिनेशंस लिखनी है। फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनको डिफाइन करना है और कुछ की डायग्राम है वो बनानी है, कुछ की एग्जांपल है वो लिखनी है। व्हाट आर द एम्पिथेलियल टिश्यूज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल एम्पिथेलियम टिश्यूज, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, साथ इनकी डायग्राम बनानी। व्हाट इज़ गॉल्जी ऑपरेटस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टर्ने एंड क्रिस्टाई, व्हाट आर द गॉल्जी वेसिकल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल्जी ऑपरेटस, राइट द ड्रा द डायग्राम ऑफ गॉल्जी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन दोनों की डायग्राम ड्रा करनी और साथ इसको लेबल करना है। व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, व्हाट आर द ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट इज़ द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। स्क्लामुलर एंड स्टीलेटेड एम्पिथीलियम, व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एम्पिथीलियम, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाट आर एडिपोज टिश्यूज, व्हाट इज कार्टिलेज, ड्रा द डायग्राम ऑफ ब्लड एंड बोन्स। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज सोडियम पोटाशियम पंप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। स्टूडेंट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 3 and 4, इसको प्रिपेयर कर लें, अपनी बुक पे मार्क कर लें, लिख लें। दूसरे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।